नमस्कार, गुड मर्निंग जय नेपाल। दर्शकबिन, तपाईको ग्राउन्ड जिरो अहिले चुनावी यात्रामा छ। चुनावी यात्रामा फाइनल भन्ने हो। आज बैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ, स्थानीय निकायको निर्वाचन आज बैशाख 30 गते हुँदैछ। चुनावी यात्रा घुम्ने क्रममा यति बेला म रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा छु, सबगारा बुथमा। सबगारा बुथमा तपाईँलाई यहाँको मान्छेहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नको लागि, आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नको लागि। यति बेला म रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा छु, सबगारा बुथमा। यहाँ जनताहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ उहाँसँग जानेछौँ। बैशाख 30 गते आजको दिन नेपाल एउटा ठुलो नै इतिहास लेख्न गइरहेछ। नयाँ नेपाल संहिता संविधान निर्माणपछि यो दोस्रो स्थानीय निकायको चुनाव हो। अब स्थानीय नागरिकहरूसँग, यहाँको मतदाताहरूसँग जान्नेछु उहाँ कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ भोट गिराउनको लागि। कम विथ मी। नमस्ते। भोट गिराएमा मतलब केन लाग रहा बाके? भोट गिरा भइहाल्छ न केन त खाना भरि कितना देर से खा रहा है लाइन में? बोले नहीं था कभी। कितना अच्छा अच्छा लग रहा है? वोट गिरा है? पहली बार गिरा है कि पहले भी गिरा रही? पहले गिरा रही है। नमस्ते। क्या मतलब वोट गिरा है तो कैसा लग रहा है भाई? ठीक लग रहा था। पहले भी गिरा रही? हाँ, गिरा रही। आई के व्यवस्थापन के देखा जाए तो अपने रोडे में खराब आ रही है, व्यवस्थापन मालूम घाम आगे लगी जाए बरसात हो गई तो व्यवस्था न बा रौद लगी रौद लगी रौद लगी ना बेरा उठी तो रौद लगी अब मतलब व्यवस्थापन रहे बारिश होता पत्थर पड़े लगी तो तब सबके दिक्कत हो पत्थर पड़े लगे हम अथी बरसात हो भाग ना जाए तो ये पिछाए फिर तो वोट गिराबे ना सके वोट गिराबे से वंचित हो जाए तो हाँ तो हो जाए पिछाड़ और उबेर हो तो फिर आके गिराए अगर दिन में पानी पड़ते रह गए पानी पड़ते रह जाए तो अपने के मारका जाए हम कभी मारका जाए अपने के अथी के जाए दस मिनट दे हम कोनो साधन दे हम तब तो हम नहीं ओढ़ ठीक अपन कैसे ओढ़ अपन मत सही सदुपयोग करूँ तेरे भी यहाँ स्थानीय थुप्रे एकदम एक्साइटेड होने वहाँसंग जानने यो वहाँ को एकदम एक्साइटेडमेंट कति हेलो नमस्ते नमस्ते पहली बार फोन करें कि हजुर नेपाली में अपने भाषा बोल हाँ नाम है ओसामा शेख पहली बार फोन करें कैसा लग रहा होगा पहली बार फोन कर एकदम बहुत उत्सुक बारी दिवेला उत्सुक बारी एकदम जनप्रतिनिधि अपन चुने लगे एकदम चुनने चुन ले बारी की मन में चुन ले तू पहली बार बड़ा हाँ पहली बार ये व्यवस्थापन कर लेके मान लो सब गामे में है अथी बाहर है के एक और कोनो कैसा हो के व्यवस्थापन अब केना को अब रोडे पर बात अब चलाई तो जरा चले दू चले दू चले दू बस खाली तैयार लाइन बने समझा देता सही रहला चल आ बुगा मर्द तसबै तपाईको ग्राउन्ड जिरो चुनावी यात्रा छ। चुनावी यात्रा घुम्ने क्रममा यति बेलामा रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा छु। यहाँ पुलिङ बुथ छ, यहाँ एउटा स्कुलमा पुलिङ बुथ राखिएको छ। अब स्थानीय नागरिकहरूसँग कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ उहाँसँग म जान्नेछु। हेलो, कति नाम है? मुकेश। मुकेश, भोट गिराबेमा कतना अथी मतलब कैसे लाग रहल हो अभी? ठीक है, भोट लिस्टमा नाम है ना? अपन जनप्रतिनिधिके चुनेके लिए एकदम बारा एक्साइटेड मतलब एकदम चाहे बारा बारा ई बूथ व्यवस्थापन केना आइ गे मतलब निर्वाचन आयोग अगर व्यवस्थापन न कैले कुछ मान ला बरसात होइ दिके या धूप आइ दिके पाथर पड़ि दिके तऽ केना करेके चाहिँ जस पनि तपाईँको ग्राउन्ड जिरो चुनावी यात्रामा छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यत्रो ठुलो लाइन छ, पुरै मान्छेहरू एकदमै भिड छ। यहाँ मेन गेट छ, अलिकति यता गर्नु, यहाँ मेन गेट छ। अब रोडमै नै छ मान्छेहरू। अब मान्छेहरूको यो दुःख आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई चुनिरहेको दुःख कसले बुझिदिने हो, यो पनि एउटा समस्या नै छ। तपाईँको ग्राउन्ड जिरो तपाईँको गाउँमा पनि आउनुहुन्छ सकभर, हामी पुरै वार्डमा यो पुरै यो जिल्लाको हरेक ठाउँमा पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको चुनावी कभरेजमा। यो ग्राउन्ड जिरो रियालिटी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य हामीलाई कमेन्ट र सुझाव गर्नुहोला। तबसम्मको लागि लभ यु, स्टे सेफ, जय नेपाल।